इनका आंसर निकालो। पहले क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्टेबल आयन, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेबल आयन का फॉर्मेशन करेगा। देखो एक चीज यहाँ पर क्या लगा होगा आपको, एक चीज देखने को मिलेगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, यहाँ पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है मेरे कौन अटैक कर रहा है, H+ अटैक कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन आएगा तो इस केस में जब भी मेरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आगे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था लास्ट में, पढ़ा था ना, क्या देखा था, ये मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन से H+ आगे अटैक करेगा, यहां पर आगे लग जाएगा मेरा हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन पे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ऐसे भी सोच सकते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, H+ आके लग जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा, कार्बन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिंग क्या होनी चाहिए, मेरी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले पार्ट मेरे पास कहता है कि आपके पास ये बनेगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो और चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिंग कैसी मेरी, एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये रिंग कैसी मेरी, एंटी एरोमेटिक, पहले भी एंटी एरोमेटिक थी, बाद में भी कैसी है, एंटी एरोमेटिक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टेबल नहीं होते, एंटी एरोमेटिक में पता है। यहाँ पर देखो अब क्या होगा, दूसरी केस में यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये रिंग कैसी है, एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिंग कैसी एरोमेटिक है, एरोमेटिक होगी तो क्या होगी, स्टेबल होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा। थर्ड में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, दो चार छह सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसी होगी, है एरोमेटिक होगी, एरोमेटिक हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी, स्टेबल। तो आपका ये दो केसेस पॉसिबल है जो आपका स्टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये एरोमेटिक से बिना, ये दोनों एरोमेटिक है क्योंकि यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये क्या है मेरे पास, स्टेबल। रिविजन करते रहना इस चीज का, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे घर पे जा रहे हो तो अपना जो पढ़ा है उसका रिविजन करना जरूरी है, तभी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का सब साफ होता जाएगा, ये चीज को दिमाग में रखना। इस संडे को टेस्ट हुआ तुम लोगों का, ठीक है, एक तो केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स दो लेक्चर मैंने भेज दिए, दो आज भेज दूंगा, दो कल भेज दूंगा मैं तुम लोगों को, तो चैप्टर वही खत्म हो जाएगा वो, छह लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का सिर्फ छोटा चैप्टर है, कुछ भी नहीं उसमें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अपना यूपी जीओसी का जहाँ तक पढ़ा होगा हम लोगों ने फ्राइडे तक, वो सैटरडे रिवाइज करने के लिए संडे को टेस्ट, कौन से जहाँ तक शुरू से जीओसी का, जहाँ से हमने डिग्री ऑफ डिग्री फन सेचुएशन से शुरू किया था, वहाँ से लेके जहाँ तक पढ़ लेंगे वहाँ तक, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स अपने एनसीईआरटी से लगा लेना पहली चीज, दूसरी जो फिर मैं क्वेश्चन बैंक आपको शेयर करूँगा, और क्वेश्चंस की वीडियो भी भेजूंगा मैं आपको, जिसमें 200-300 क्वेश्चन होंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखने हैं, खुद से कोशिश करके उनका आंसर भी निकालना है, और फिर देखना है कि वो सही है भी या नहीं,
वीक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या करूँ ना, क्या क्वेश्चंस मेरे पास है उनके मैं वीडियो बना दूंगा सबकी, जैसे नॉर्मल वीडियो होती है ना सॉल्व क्वेश्चन, हाँ सॉल्व क्वेश्चन क्या बुकलेट देखिए प्रैक्टिस करो लगाओ उससे, ठीक है पहले इसका आंसर निकालो। संडे को टेस्ट है और कोई छुट्टी नहीं कोई बहाना नहीं, आगे जी ओ सी का टेस्ट भी देना है और केमिकल कैंडिक्स का, और अगले संडे होगा फिर सॉल्यूशन का, जहाँ तक ऑर्गेनिक पढ़ी हुई वो और सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन अगली वीक करूँगा। ठीक मिले सेकंड क्वेश्चन थर्डी आया फोर्थ सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए कितने हो गए होंगे छह, छह पे कैसा होता है तो ये स्टेबल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब जो रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल हो वो होगी। हाँ रिएक्शन हमेशा मेरी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है खुद ही सोचना ये चीज तो अनस्टेबल है और ये चीज स्टेबल है, तो नेचर भी और हम लोग हर जगह कहाँ जाते हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो ये चीज स्टेबल है ये एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन भी वही पॉसिबल होगा जो स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एट, तो ये एंटी एरोमेटिक होता है, वैसे हमें पता है नॉन एरोमेटिक एनिलीन एट है, बट एट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और एड हो गए तो कितने हुए 10 हो गए, तो क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो सकता है, आधी बात ही समझ में, ठीक। अब यहाँ पर कितने हैं चार, बट ये कार्बन कैसा है मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कैसा होगा मेरा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पर दो चार और छह, छह इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब छह इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक होते ये भी क्या होगा पॉसिबल है आपको, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, एरोमेटिसिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको जीओसी आपके स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट आप वैसे भी सोच समझ के बना पाओगे, ये जीओसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसके लिए सीधा सा तरीका है घर पे जाओ रिवीजन करो डेली जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लो, आने से पहले एक बार रिवीजन कर लो बस, इसमें लिखो एरोमेटिसिटी एंड डाइपोल मोमेंट में, इफ पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इंक्रीज एरोमेटिक कैरेक्टर, इंक्रीज aromatic character, then it occurs easily and if it increases anti-aromatic character, then it do not polarize. Anti-aromatic. And if it increases anti-aromatic character, then it do not polarize. देखो पहले समझने की बात है क्या, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा आपको। आपको एक चीज तो पता है कि अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस तरीके से कार्बन के साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड का क्या कर रखा है फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे ऑक्सीजन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ,
ठीक है, ये मेरी डायपोल की डायरेक्शन होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कार्बन जो आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं बोलूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, ये भी sp2 है और ये भी क्या है मेरा sp2 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी सेम होगी। अब मैं क्या करूंगा, जब इसको पोलराइजेशन की बात करूंगा तो यहां दो केस आते हैं, इसको मैं बोलूं कार्बन वन और इसको कार्बन टू। मैंने पहले केस में बोल दिया कि कार्बन का अगर पॉजिटिव है इसमें क्या होगा नेगेटिव होगा, कॉन्जुगेशन तो दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसको यहां डालोगे तो वापस ही ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस इस पे नेगेटिव डाल दो और इस पे क्या डाल दो पॉजिटिव। ठीक है, पोलराइजेशन करने से एक कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर ऐसे पोलराइज करने से, समझ लो ये वाला कार्बन किसी रिंग से अटैच होता और वो रिंग मेरी एरोमेटिक हो जाती तो इन चार्ज का पोलराइजेशन करना क्या होता है आसान होता है। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो पोलराइजेशन क्या होगी आसान हो जाएगी, पर अगर नहीं हो रहा है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो वो पोलराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तभी समझोगे इसको। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डायपोल मोमेंट ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन डायपोल मोमेंट ऑर्डर। दो क्वेश्चन लोगर ये करते समझ जाओगे आप इसका यूज कैसे करना है।
देखो फर्स्ट वाले में करके दिखाता हूँ आपको, अगर ये पहले रिंग कैसे नॉन एरोमेटिक है, ठीक है नॉन एरोमेटिक है, अगर ये पोलराइजेशन हो भी जाते हैं नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जाता है तो भी कैसी रहेगी, नॉन एरोमेटिक रहेगी, इससे कोई कैरेक्टर चेंज होने वाले नहीं। अगर ये रिंग पोलराइज होती है तो नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये तो अभी भी एरोमेटिक रहेगी। यहाँ पर चार्ज पोलराइज होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, तो दो चार क्या हो जाएगी ये एंटी एरोमेटिक हो गई। यहाँ पर जब चार्ज पोलराइज होते हैं नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दो चार छह ये कैसी होगी एरोमेटिक होगी। हमें क्या निकालना है डायपोल मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है हमें डायपोल मोमेंट। तो मतलब अगर चार्ज पोलराइज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा किसमें एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी क्या है मेरे पास एरोमेटिक है। डीलोकलाइजेशन किसमें ज्यादा है डी में, तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट क्या होंगे सबसे, फिर किसमें होंगे बी में, फिर सी। अब देखो यहाँ पर दोनों आ गए, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे चार्ज उतना पोलराइज होता है, जितना पोलराइजेशन होगा डीलोकलाइजेशन होगा डायपोल मोमेंट भी क्या होता है ज्यादा होगा, ठीक है फिर सी और फिर लास्ट में क्या जाएगा सर मतलब, ठीक है एक बार पहले चीज पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचे, चार्ज मूव कर रहा होगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो भी क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब एरोमेटिक का पोलराइजेशन ज्यादा स्टेबल होता है बाकी के है ही, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब जब सी और ए में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं मिलेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है और उसमें क्या उसको रेजोनेंस मिल रहा है, ए क्या है ये नॉन एरोमेटिक है ना, इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज लेके देखो, देखो मैंने एक डबल बॉन्ड को क्या किया पोलराइज कर दिया, ऊपर लिखा पॉजिटिव चार्ज और नीचे लिखा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ये साइक्लिक कॉन्फिगरेशन तो प्रेजेंट है, बट रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है चार, चार की से ऊपर वाली रिंग कैसी होगी एंटी एरोमेटिक, और नीचे वाली देखो दो चार छह, छह इलेक्ट्रॉन्स है तो नीचे वाली रिंग कैसी होगी एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। कब जब मैंने ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लगाया था, आप समझो मैं ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ, मुझे पता है डबल बॉन्ड के केस में कार्बन डबल बॉन्ड केस में दोनों केस पॉसिबल है मेरे पास, अभी बताया था मैंने ऑक्सीजन में तो एक ही केस पॉसिबल है बट कार्बन कार्बन में दो केस, तो दो चार छह तो ऊपर वाली कैसे हो गई एरोमेटिक और नीचे वाली कैसे होगी दो चार एंटी एरोमेटिक, मतलब जब आप चार्ज पोलराइज कर रहे होगे एक रिंग तो एंटी होगी और एक क्या होगी एरोमेटिक होगी, अगर आप उल्टा भी करते तो भी एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर आ जाओ मैं इस बॉन्ड को पोलराइज करता हूँ, ऊपर डाला पॉजिटिव नीचे डाला मैंने नेगेटिव, ऊपर दो चार फोर तो ये कैसी होगी एंटी एरोमेटिक और नीचे भी थी दो चार दो ये भी कैसी मेरी एंटी एरोमेटिक। अगर मैं चार्जेस दूसरे नुयान ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव दो चार छ छ होते क्या हो जाएगा एरोमेटिक, नीचे भी दो ये तो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ दो ही बचे दो बचे तो क्या हो जाएगी ये भी एरोमेटिक। तो यहाँ पर जब भी चार्ज पोलराइज होंगे तो ऊपर वाले पे नेगेटिव आएगा और नीचे वाले पे क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वजह से दोनों रिंग कैसी होती है मेरी एरोमेटिक फॉर्मेशन करती है। तो इसके अंदर ये वाला जो केस हमने देखा था ये पॉसिबल नहीं है, बोले बात समझ में आ गई। अब इस रिंग में देखो मैंने ये बॉन्ड को पोलराइज किया, ऊपर डाला नेगेटिव नीचे डाला पॉजिटिव, दो चार छह आठ क्या बन जाएगी एंटी एरोमेटिक बन जाएगी, ये मेरी बन रही है एंटी एरोमेटिक और नीचे दो चार नीचे भी कैसी बन रही है एंटी एरोमेटिक बन रही है। अगर मैं उल्टा करूं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव डालूं तो दो चार छह एरोमेटिक है और ये भी कैसी है एरोमेटिक, दो चार छह
ठीक है, दूसरा वाला केस क्या है यहाँ पर, पॉसिबल है। अब खुद ही सोचो जब इनका इस तरह से डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा स्टेबल है, इसमें है या फिर किस किस में पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पर तो दोनों ये रिंग मेरी एक एंटी बनेगी और एक क्या बनेगी, एक एंटी बनेगी तो एक एरोमेटिक हो गई, एक एंटी बनेगी तो एक क्या होगी एरोमेटिक। यहाँ पर दोनों कैसे बन रही है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। यहाँ पर भी दोनों कैसे बन रही है एरोमेटिक, बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन इसके कंपेयर में क्या होगा ज्यादा होगा, इसलिए मेरा सी ज्यादा होगा बी से, बी ज्यादा होगा किस से। बोल बात समझ आ गई, चलिए इसे लिखो, ठीक है हम आगे बात समझ में, यस आगे बात समझ में, ठीक है लिखो आगे कर लो। सॉल्यूशन में लिख लेना, जो फिर बाद में रिवीजन करने टाइम पर दिक्कत ना आए ताकि। लिखो एरोमेटिसिटी इन, एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्रोजन अलोन पेयर होगा तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखोगे तो दो चार छह एरोमेटिक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है पाइरोल, ठीक है। ऐसे कोई कंपाउंड यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर दो चार छह, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कैसा होगा एरोमेटिक होगा, इसका नाम है फ्यूरिन, सल्फर दो चार छह एरोमेटिक है, इसका नाम है थायोफ्रीन। ये नाम कहाँ से आ रहे हैं याद रखने हैं, कॉमन नेम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा पाइरोनस के साथ रिएक्ट किया, फ्यूरेन से रिएक्ट किया तो पता तो मैं फ्यूरेन है क्या, ठीक है। फिर आपके पास आता है इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज देखने वाली बात है, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर, ध्यान से सुनो सामने, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो दो चार छह, इसकी एरोमेटिसिटी में कैलकुलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये लोन पेयर अगर नाइट्रोजन के पास रहेगा तभी ऊपर वाली रिंग कैसी रहेगी, एरोमेटिक रहेगी। तो क्या ये अपने लोन पेयर को किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने अपने लोन पेयर दे दिए तो उसके एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम वो नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो दो चार छह, क्या ऑक्सीजन अपने इस वाले लोन पेयर को दे नहीं सकता, क्योंकि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर में काम आ रहे हैं। इसी तरह सल्फर, यहाँ पर नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर क्या उसको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि दो चार छह, छह पाई इलेक्ट्रॉन जो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर बना रहे हैं वो डबल बॉन्ड से बन जाता है। नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं, बट ये काम मेरा पायरोल नहीं कर सकता।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनो, जब बात आती है बेसिक नेचर की, बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। अरे बेस OH आयन देता कि नहीं देता? OH आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो अच्छा बेस होता है। तो जब इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर पूछा जाएगा तो कौन अच्छा बेस होगा? पिरिडीन आपके पास क्या होगा? अच्छा बेस होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर है। लोन पेयर इसके पास भी है बट ये दे नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है जो कि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे। बट यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एरोमेटिसिटी के अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो अपना डोनेट कर सकते हैं। अगली बात समझ रहे? लिखो इन स्ट्रक्चर को चार। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन आ गए तो हेट्रो हो गया। साइक्लिंग मतलब साइक्लिंग में एरिंग में और भी बहुत सारे होंगे यहाँ पर अलग अलग, बट इनकी ही बात की गई क्योंकि ये बार बार काम हो गया। देखो जो आपकी बेंजीन होती है ना, बेंजीन में तो लगे तो डबल बॉन्ड ही होते हैं बट वो एल्कीन से डिफरेंट रिएक्शन शो करती है। क्यों? उसकी जवाब दूंगा मैं आपको भी, पहले आप इसे लिख लो फटाफट बना लो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नीचे लिखो। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन विच वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। देखो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, आपसे पूछेंगे इसी क्वेश्चन को पूछेंगे। अभी तो मैंने बस आपको एक थ्योरी करके लिखवाया है ये बात कि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। एग्जाम में पूछेंगे कि बेंजीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? डबल बॉन्ड। एल्कीन्स में भी क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं, पर मेरे बेंजीन एल्कीन्स के जैसे रिएक्शन को शो क्यों नहीं करता? ठीक है, पहले मैं आपको एल्कीन्स की बात दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेंजीन में क्या होता है। एल्कीन्स में क्या, देखो क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरीके जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है मेरे पास तो ये समझ लो इलेक्ट्रोफाइल है और इसके साथ क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लो वाटर लिखा हुआ है,
वाटर में क्या होता है, H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, OH है। अब देखोगे अगर मैंने इस बॉन्ड को पोलराइज किया तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। पहले हमेशा कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, याद रखना, हमेशा पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने आके इस पे अटैक कर लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कार्बन 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 पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया, इलेक्ट्रोफाइल लगा ना। यहां पर दूसरे स्टेप में आगे कौन लगेगा, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा बस कार्बन कार्बन, एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ था, एक न्यूक्लियोफाइल यहां आ गया, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कहानी किसकी होती है, एल्कीन्स की। ठीक है, अब देखो बेंजीन इसकी तरह रिएक्शन शो क्यों नहीं करता उसको भी ध्यान से देखिए। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें कोई बात भी समझ नहीं आया तो पूछना मेरे से। यहां लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन, ऐसे तो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक, मैंने इसका रिएक्शन करवाया, पहले स्टेप में कौन आगे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, कोई भी एक बॉन्ड को यहां पर भी पोलराइज किया ना, यहां पर भी क्या कर देता हूं, पोलराइज कर देता हूं। मैंने इस बॉन्ड को पोलराइज किया, यहां लिखा नेगेटिव और यहां लिखा मैंने पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, है कि नहीं। तो पहले स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, कौन माइग्रेट करेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ आ गया हाइड्रोजन लगा हुआ और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल फाइल। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन है, कौन मूव करेगा, डबल बॉन्ड, यहां से यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट। ठीक, देखो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ, एडिशन रिएक्शन। दूसरे स्टेप में कौन आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड कर दूं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास में आकर अटैक करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग गया, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि बनेगा, बोलो है ना। ठीक, शुरुआत में जब मेरे पास बेंजीन रिंग थी, क्योंकि इसे शुरुआत में पहले क्या थी, बेंजीन रिंग थी, तो बेंजीन रिंग क्या थी, एरोमेटिक थी, एंटी एरोमेटिक थी, नॉन एरोमेटिक थी, एरोमेटिक थी। अब जो प्रोडक्ट बन रहा हो कैसे है, एल्कोहल की बात मत कराइए, ध्यान से देखोगे पहले, ये कार्बन जो sp3 नहीं है, ये कार्बन भी तो sp3 है, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक से क्या बन रहा है, नॉन पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को पता है जब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं और लास्ट में एंटी एरोमेटिक होते हैं। कभी भी रिएक्शन स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आता है या फिर स्टेबल से स्टेबल बनेगा, है कि नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप एडिशन रिएक्शन करवाते हो जो कि एल्कीन्स में होता है, तो मेरे पास ये कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम ब्रैकेट में आप EAS भी लिखना, क्योंकि बेंजीन मेरा EAS रिएक्शन शो करती है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहां से अगर H+ हटता है तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, अरे भाई इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, H+ हट गया अगर समझ लो, तो ये यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पर ये है, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है कौन माइग्रेट करेगा नेगेटिव चार्ज भी यहां पर आगे क्या गया पाई बॉन्ड बन जाएगा तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन के यहां पर सिर्फ क्या लगा होगा हुआ क्या हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन के आगे जगह क्या लगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करेगा और वो रिएक्शन होगा मेरे पास ठीक है अगली बात समझिए और एरोमेटिक रिंग पे कर रहा था इसलिए इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि बेंजीन मेरे पास क्या थी एरोमेटिक होती थी ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे पास बेंजीन एल्कीन की तरह रिएक्शन शो क्यों नहीं करती तो हम लोग क्या बोलेंगे बेंजीन एरोमेटिक होती है अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाता हूं ये क्या है मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अगर ये करवाऊंगा तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगी जो कि स्टेबल नहीं होती इसलिए बेंजीन मेरे पास क्या करता है ईएएस रिएक्शन को शो करता है एरोमेटिक ही है ना फाइनली तो एरोमेटिक से एरोमेटिक ही बन गई बट हुआ क्या सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया सर आप ये पता कैसे चलता है कि कॉन्जुगेशन में कौन सा मूव करेगा नेगेटिव चार्ज के डबल बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है लेस इलेक्ट्रॉन ठीक है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो पॉजिटिव चार्ज है अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी एक तरफ जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिव चार्ज है एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अब भाई वो तो कमी है ना वहां तो कुछ है ही नहीं तो मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करेगा हमेशा करंट भी बहता है तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही होता है हर जगह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही दिखाता है पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता मूव करता हमेशा नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज कौन मूव करेगा किसके अंदर डबल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज देख कॉन्जुगेशन देख नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हमेशा मेरा नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा ठीक है डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में डबल बॉन्ड मूव करेगा तभी तो शुरू में रेजोनेंस में सात केस करवाए थे वो सात केस किसे करवाए थे ये दिन आएगा तो पता चले कौन मूव करेगा ठीक है तो वो रिवाइज करना है सुन लो पहले अच्छा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंदर न्यूक्लियोफाइल का ऐड करता है हां वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो आएगा ना न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा ना बट यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं किया गया किया ना पहले स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक पर वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा क्यों करते एडिशन रिएक्शन हो जाएगा एडिशन रिएक्शन हो गई रिएक्शन खत्म नॉन एरोमेटिक बन जाएगा कौन सा लिखना है पूरा ही लिखना है वो भी लिखना है हाँ क्या हाँ ठीक है तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो बाकी इलेक्ट्रोफाइल से कोई ऐसा नहीं होगा क्या नहीं वहाँ तो आपके पास क्या हो रहा है चार्ज आपने पोलराइज किया ठीक है और उसके बाद पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया दूसरे में वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है ना वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मेरे बेंजीन शो कर रही है एल्कीन्स तो शो करते ही नहीं है एल्कीन्स तो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं एडिशन रिएक्शन शो करते हैं
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हो गए ना। हाइड्रोजन पे तो इस केस में असर पड़ा है। नहीं नहीं देखो यहाँ पर भी तो बाकी हाइड्रोजन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था जब हम एडिशन रिएक्शन करते तो, है कि नहीं। हाइड्रोजन पे तो कब असर पड़ा जब ने ईएस रिएक्शन किया। एडिशन पे तो वहां पर भी नहीं पड़ता, यहाँ तक न्यूक्लियोफाइल लग जाता, ये बन जाता है, बात खत्म। सारे हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे ही प्रेजेंट थे वो तो तब ना, पर फिर उसे नॉन एरोमेटिकली बनती, नॉन एरोमेटिक नहीं चाहिए इसमें हाइड्रोजन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों हो गए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों में नहीं तो उसका एडिशन है वो।